दोनों इंटीजर्स डिफरेंट साइन के हों, जैसे कि पहला इंटीजर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो, या पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो, तो अगर अलग अलग साइन के इंटीजर्स को ऐड करना हो तो उनके बीच हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। और अगर इंटीजर्स का साइन से हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई क्लास। आज हम सीखेंगे इंटीजर्स का एडिशन, मींस दो इंटीजर्स को कैसे ऐड किया जाता है। तो इसके रूल्स इस तरह से होते हैं कि अगर दोनों इंटीजर्स डिफरेंट साइन के हों, जैसे कि पहला इंटीजर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो, या पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो, तो अगर अलग अलग साइन के इंटीजर्स को ऐड करना हो तो उनके बीच हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। और अगर इंटीजर्स का साइन सेम हो, जैसे कि दोनों ही नेगेटिव हों या दोनों ही पॉजिटिव हों, तो उनके बीच हमेशा एडिशन होता है। तो इस बात को आपने याद रखना है जब भी आप इंटीजर्स को ऐड करें। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 11 प्लस माइनस 7। यहाँ पर देखेंगे तो पहला पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा नेगेटिव इंटीजर है। तो जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर होता है तो उनके बीच सब्ट्रैक्शन होता है। मींस यहाँ पर हम 11 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट होता है तो हमारे पास आता है 4। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि साइन किसका आएगा। तो साइन हमेशा आता है बड़े नंबर का, जो बड़ा होता है उसी की पावर ज्यादा होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 11 और 7 में से 11 बड़ा है और 11 का साइन पॉजिटिव है। जिस नंबर में कोई साइन नहीं लिखा होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव 4। चाहे तो आप यहाँ पर प्लस का साइन लगाएं चाहे ना लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 प्लस माइनस 18। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों इंटीजर के साइन डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। यहाँ पर पॉजिटिव साइन लिखा नहीं है लेकिन ये पॉजिटिव है। ओके, सो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड किया जाता है तो उनके बीच हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और 18 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्शन हमेशा बड़े नंबर से छोटा नंबर ही होता है। ऐसा नहीं है कि पहले ये लिखा है तो इसमें से आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा सब्ट्रैक्शन होता नहीं है। सो बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होता है। 18 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 5। और फिर आपको वही करना है, देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। 18 बड़ा है और उसका साइन नेगेटिव है, और 13 छोटा है उसका साइन पॉजिटिव है। सो बड़ा नंबर तो 18 है, 18 नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया था वो भी नेगेटिव होगा। तो हमारे पास आ जाएगा -5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है -10 +19। मींस पहला इंटीजर नेगेटिव है और दूसरा इंटीजर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है तो उनके बीच हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन होगा और हम 19 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 19 में से जब 10 सब्ट्रैक्ट होता है तो हमारे पास आता है 9। और साइन किसका आएगा? बड़े वाले नंबर का। तो यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है? 19 है, और 19 का साइन पॉजिटिव है तो ये भी है पॉजिटिव। चाहे तो आप लिखें चाहे ना लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -250 एंड उसको ऐड करना है +150 में। तो पहला इंटीजर नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो यहां पर भी साइन डिफरेंट है। पहला पॉजिटिव है, पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि डिफरेंट साइन है। सो यहां पर भी सब्ट्रैक्शन करेंगे। 250 में से 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 100। और साइन किसका आएगा? साइन आएगा बड़े वाले नंबर का। बड़ा नंबर कौन सा है? 250, और इसका साइन नेगेटिव है तो यहाँ पर 100 जो आएगा हमारे पास वो हो जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -380 प्लस -270। मीन्स एक नेगेटिव इंटीजर का दूसरे नेगेटिव इंटीजर के साथ एडिशन करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं, और जब दोनों ही इंटीजर नेगेटिव होते हैं तो उनके बीच एडिशन होता है। मींस हमें इन दोनों डिजिट्स को
ऐड करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। तो 380 में 270 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 650। अब यहाँ पर देखेंगे कि दोनों ही नंबर का जो साइन है वो नेगेटिव है, तो हम बड़े का लिखें चाहे छोटे का लिखें, साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा। बड़ा नंबर वैसे 380 है तो इसका साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाएंगे रूल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन दोनों ही नेगेटिव है तो हम सीधे सीधे नेगेटिव लगा लेंगे। उसके बाद आता है प्लस 217 प्लस 100, मींस पहला इंटीजर पॉजिटिव है, दूसरा इंटीजर भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करना है। तो जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स ऐड होते हैं तो उनके बीच भी हमेशा एडिशन होता है, क्योंकि साइन सेम है, सेम साइन का एडिशन होता है, डिफरेंट साइंस का सब्ट्रैक्शन होता है, ये आपने याद रखना है। तो दोनों पॉजिटिव हैं मींस इनके बीच एडिशन होगा, तो 217 में 100 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 317, और साइन बड़े नंबर का आता है लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही पॉजिटिव है तो हम सीधे सीधे पॉजिटिव लिख लेंगे, या पॉजिटिव नहीं भी लिखेंगे तब भी ये हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा।